दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको एक बार फिर दुबई में बनाए जाने वाले मेगा प्रोजेक्ट्स दिखाएंगे। अगर आप इस वीडियो का पार्ट वन देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। नंबर 7, जुमायरा गार्डन सिटी। तहकीक से यह पता चलता है कि कुदरत के करीब रहने से इंसानी सेहत पर मुस्बत असर पड़ता है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए दुबई में जुमायरा गार्डन सिटी जैसे मेगा प्रोजेक्ट का आगाज किया गया है, जिसके तहत 14 मिलियन स्क्वायर मीटर जैसे वसीरीज इलाके में डेवलपमेंट का काम तेजी से जारी है। ये शहर 12 इजला पर मुश्तमिल होगा और इसमें 2.5 लाख लोगों के रहने की गुंजाइश होगी। इस शहर को साहिल समंदर के साथ तामीर किया जा रहा है, जिससे इससे खुद हुसन में भी इजाफा होगा। इस शहर की सबसे खास बात यह है कि ये शहर इंतहाई सरसब्ज होगा। इस मेगा प्रोजेक्ट में रियूजेबल एनर्जी से बेहतरीन फायदा उठाया गया है। इस मेगा प्रोजेक्ट में 90% वेस्ट वाटर को इस्तेमाल में लाया जाएगा। इसके साथ 60% बिल्डिंग वेस्ट को रिसाइकल किया जाएगा और क्लीन वाटर एफिशिएंसी को 40% बेहतर किया जाएगा। ये एक मिसाली माहौल दोस्त मेगा प्रोजेक्ट है, जिसकी वजह से आबी और फजाई आलूदगी में नुमाया कमी आएगी। नंबर 6, ब्लू वाटर्स आइलैंड। अगर किसी मुल्क में नया शहर बसाने के लिए जमीन कम पड़ जाए तो इस मुल्क को क्या करना चाहिए, जरा सोच के बताएं। अरे आप तो परेशान होगे, लेकिन दुबई का ब्लू वाटर्स आइलैंड आपकी परेशानी अभी दूर कर देगा। ब्लू वाटर्स आइलैंड दर हकीकत एक मैन मेड आइलैंड है, यानी एक ऐसा जजीरा जो इंसानों ने बनाया है। ये आइलैंड 1600 स्क्वायर फीट एरिया पर बनाया गया है। ये एक रिजॉर्ट आइलैंड है जो कि दुनिया का सबसे खूबसूरत तरीन मैन मेड आइलैंड है। इसमें कई मल्टी नेशनल शॉपिंग सेंटर्स, होटल्स, कैफेज और रेस्टोरेंट हैं जो टूरिस्ट के लिए तमाम सहूलतें फराहम करते हैं। इसके साथ ब्लू वाटर आइलैंड्स में 700 अपार्टमेंट्स भी हैं जहां पर आप स्टे कर सकते हैं। ब्लू वाटर्स आइलैंड का शुमार दुनिया के महंगे तरीन आइलैंड्स में होता है। नंबर 5, दुबई हार्बर। दुबई मैरीना और पाम जुमायरा के साथ दुबई में फन तामीर का एक और शाहकार अपने तकमील के आखिरी मराहल में है, जिसे दुबई हार्बर का नाम दिया गया है। दुबई हार्बर इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि दुबई के लोग कितने एडवांस और क्रिएटिव हैं। अभी तक दुनिया भर के डिजाइनर्स और बिल्डर्स दुबई हार्बर में फराहम की जाने वाली सहूलतों और आसाइशों के बारे में बहुत कुछ बता चुके हैं और ये मेगा प्रोजेक्ट जल्द ही अपनी सारी रानाइयों के साथ मुकम्मल हो जाएगा। दुबई हार्बर में दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज शिप टर्मिनल बनाया जाएगा और ये रीजन का सबसे बड़ा समंदरी आमदरफ्त का मरकज कहलाएगा। इस मेगा प्रोजेक्ट की तकमील से दुबई की इकोनॉमी में जबरदस्त इजाफा होगा। नंबर 4, मैदान 1। इस साल दुबई में बनाए जाने वाले मैदान 1 मॉल को देखने के बाद हर शख्स ये जरूर कहेगा, वाह मजा आ गया। ये एक ऐसी जगह है जहां पर हर कोई ठहरना और रहना पसंद करता है। मैदान 1 मॉल मैदान सिटी का दिल है। मैदान 1 को 1.5 मिलियन स्क्वायर मीटर की वसीयत रकम पर बनाया गया है और इसमें हर वो चीज है जो कोई शख्स एक छत के नीचे तसव्वुर कर सकता है। 0.5 माइल पर फैला खूबसूरत इंडोर गेम्स एरिया 1000 स्क्वायर मीटर पर बनाया गया। जबरदस्त फिटनेस ट्रैक, इंतहाई शफाफ और खूबसूरत वाटर लगून पार्क और 1640 स्क्वायर फीट पर मौजूद दिलकश बीच एरिया और बहुत कुछ जो मैदान 1 को दुनिया के बेस्ट मेगा प्रोजेक्ट्स में शामिल करता है। इसके अलावा 1246 फीट पर बनाए गए खूबसूरत डांसिंग फाउंटेन्स मैदान 1 की खूबसूरती को चार चांद लगा देते हैं। मैदान 1 में 580 शॉपिंग आउटलेट्स और 30,000 होटल रूम्स बनाए गए हैं। मैदान 1 अपनी तकमील के आखिरी मराहल में है और नए साल के आगाज पर यह शहर दुनिया भर के टूरिस्ट की तवज्जो का मरकज बन जाएगा। नंबर 3, मार्सा अल अरब। दुबई दुनिया भर के टूरिस्ट के लिए तवज्जो का मरकज बना हुआ है और ऐसा एक दिन में नहीं हुआ। अगर आप कोई काबिले दीद चीज बनाएंगे तो लोग उसे देखने के लिए भी आएंगे और मार्सा अल अरब के लिए ये बात बिल्कुल सही साबित होती है। इस मेगा प्रोजेक्ट में बुर्ज अल अरब होटल के दोनों तरफ दो नए जजीरे बनाए जाएंगे जो कि 40 लाख स्क्वायर फीट के वसीयत एरिया पर बनाए जाएंगे। इस मेगा प्रोजेक्ट का मकसद सेहत को फरोग देना और मुलाजमत के लिए नए मौके पैदा करना है। इसके लिए लग्जरी विलास, एक प्राइवेट मैरीन टर्मिनल, एक शानदार बीच, होटल, थिएटर्स,
रिहायशी और बिजनेस क्लास अपार्टमेंट बनाए जाएंगे। एक जजीरे को फैमिली फ्रेंडली बनाया जाएगा जहां पर लोग हॉलीडेज मनाने के लिए दुनिया भर से आएंगे, जबकि दूसरे आइलैंड पर बिजनेस सेंटर्स और फाइव स्टार होटल्स बनाए जाएंगे जो दुनिया भर के बिजनेस सेक्टर और एलीट क्लास की जरूरतों की तकमील करेगा। मार्सा अल अरब जैसा मेगा प्रोजेक्ट मुकम्मल होने से दुबई की टूरिज्म इंडस्ट्री एक और संगे मील अबूर करेगी। नंबर 2, ताज अरेबिया। हम में से हर किसी ने ताजमहल के बारे में तो सुना ही होगा, जो कि इंडिया के आगरा शहर में 1632 में तामीर किया गया। लेकिन आपका ताज अरेबिया के बारे में क्या ख्याल है? ये दुबई का एक मेगा प्रोजेक्ट है जिसे ताजमहल की तर्ज पर बनाया जाएगा। ताज अरेबिया का मॉडल देखकर आपके जहन में किसी अजीम बादशाह और इसकी वसीओरिस हजरत का ख्याल आता है। इसे 2.5 लाख स्क्वायर फीट के वसीओरिस रकबे पर बनाया जाएगा। ये ना सिर्फ एक जबरदस्त टूरिस्ट अट्रैक्शन होगी, बल्कि यहाँ पर बड़े बड़े इवेंट्स और फंक्शंस भी मुनक्कद किए जाएंगे। इसमें 2 और 3 बेडरूम्स वाले अपार्टमेंट्स बनाए जाएंगे। लोग यहाँ पर बड़े बड़े फैमिली और बिजनेस फंक्शंस कर सकेंगे। ताज अरेबिया के गिर्दोनवा में सरसब्ज बागात लगाए जाएंगे और आबशारों से इसकी खूबसूरती में इजाफा किया जाएगा। इस मेगा प्रोजेक्ट का शुमार दुबई के महंगे तरीन प्रोजेक्ट्स में होता है। नंबर 1, द पाम आइलैंड्स। पाम आइलैंड्स को ये नाम इसलिए दिया गया है कि इनकी शक्ल पाम की तरह है। ये मेगा प्रोजेक्ट 3 जजीरों पर मुश्तमिल है जो कि मैन मेड है, यानी ये कुदरती जजीरे नहीं बल्कि इन्हें इंसानों ने बनाया है। इन आइलैंड्स के नाम पाम जबल आली, डेरा आइलैंड और पाम जुमेरा है। इस मेगा प्रोजेक्ट को दुनिया का सबसे महंगा, मुनफरिद और मुश्किल तरीन मेगा प्रोजेक्ट कहा जाता है, जबकि 2019 में सिर्फ पाम जुमेरा को ही मुकम्मल किया जा सका है। ये 3 मील तक समंदर के अंदर फैला हुआ है, जबकि बाकी 2 जजीरों को दुबई में 2008 में आने वाले फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से ताहाल मुकम्मल नहीं किया जा सका। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जजीरे पाम की तरह नहीं होते, इन जजीरों को इंसानों ने बनाया है। पाम जुमेरा को बनाने के लिए लाखों टन पत्थरों को 1000 के पहाड़ों से लाया गया ताकि समंदर में जमीन बनाई जा सके। लाखों टन रेत और मिट्टी को इस जमीन पर बिछाया गया ताकि एक प्लेन सतह बनाई जा सके, जबकि पाम जुमेरा को मुकम्मल करने में 6 साल लगे और इस पर $12 अरब लागत आई। इसमें कई हजार अपार्टमेंट्स, रिजॉर्ट्स, वाटर थीम पार्क्स, रेस्टोरेंट्स, होटल्स और शॉपिंग मॉल्स बनाए गए हैं। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको इनमें से कौन सा मेगा स्ट्रक्चर पसंद आया हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए दानल हसन टीवी को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का शुक्रिया।